गाइस वेलकम बैक टू तुषार व्लॉग्स। तो भाई आज हम लेके आ चुके हैं एक और गाड़ी जो कि है हमारी पोलो 1.0 भाई मैनुअल जीटी विच इज हाईलाइन टीएसआई। ठीक है भाई, ये जो कार है ये है हमारी 1.0 टीएसआई जो कि मैनुअल लेने वाली है एंड इसके अंदर भाई ने बहुत अच्छा अच्छा काम करा रखा है। तो भाई आपको बताएंगे भाई क्या काम करा रखा है। तो कैसे हो जतिन भाई आप? मैं बढ़िया भाई। तो भाई अब आप वीडियो देखो और बताते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या काम करा रखा है। भाई ये पहले स्टेज टू रिमैप हो रखी है। ठीक है, पूरा टोटली टाइटेनियम से काम करवाया है। ठीक है, सिस्टम एग्जॉस्ट है। ठीक है, डाउन पाइप टोटली बिल्कुल एंड कैन तक, एंड कैन वेलवेट होने का। ओके, और हमने इंटेक सिस्टम में सिर्फ इसमें एचपीआई मेगामैक्स एयर फिल्टर लगा, और इसमें बीओवी भी लगा हुआ है। बीओवी नहीं, तो एयर फिल्टर से आवाज आ रही है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो भाई ऐसा कुछ रहने वाला है इसकी आपको आवाज भी सुनाता है, दिखाते भी कैसे चलती है ये कार। बाकी भाई आउटर मोड्स बताओ आपने क्या करा रखा है इसके अंदर? फिलहाल में योकोहामा अर्थवन सीरीज के टायर के साथ इसमें लेंजो के 16 इंचेस अलॉय डलवाए हैं। ठीक है भाई, योकोहामा का अब तक रिस्पांस कैसा रहा? ठीक है, एवरेज है, कोई इतना मतलब मैंने भी अपनी ब्रियो में लगवाए, एक टाइम तो मुझे सही लगे, ग्रिप अच्छी लगी, बट मैंने चीज नोटिस करी थोड़े टाइम बाद ना ये अजीब PS4 के कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। बिल्कुल रिप्लेस करवाने वाले जल्दी से भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ थोड़ा सा धीरे धीरे जो कभी रिप्लेस कराई दूँ। तो ऐसा कुछ भाई आउटपुट है भाई, योकोहामा का हाइप बनाया बहुत लोगों ने, बट नहीं भाई नहीं चल, कुछ नहीं है बिल्कुल भाई। बाकी भाई इसके अंदर आपने लाइट्स में क्या करा रखा है? इसमें जोटो की 130 वॉट एलईडी डली हुई है। ठीक है, और ये पार्किंग बल्ब में भी कुछ? हाँ, पार्किंग बल्ब में भी इसमें फिलिप्स के डलवाए। ठीक है भाई, जैसे कि आप देख सकते हो भाई बहुत ही ब्राइट है, और फॉग लैंप्स भी आपने व्हाइट कर रखे हैं। जोटो की है इसमें टोटली, सारा जो हेडलाइट का सेटअप है सारा जोटो का ही है। ठीक है, और छत कंपनी से ब्लैक या फिर आपने कराई है? छत कंपनी से ब्लैक है आपने कराई है? बाहर से करवाई। अच्छा ठीक है, तो भाई ऐसा कंपनी से लिए थे। अच्छा ये कंपनी से भाई ने आरबीएम अभी कल ही हमने एक अपग्रेड करवाया ईबीसी के येलो स्टफ ब्रेक पैड भाई, जैसे कि आप ये देख सकते हो येलो येलो स्टफ, तो ये बेसिकली ईबीसी के ब्रेक पैड्स हैं, और ड्रिल रोटर्स भी लगवाए हैं, वो भी लगवाओगे? नहीं अभी नहीं, अभी थोड़े टाइम में अपग्रेड। अच्छा ठीक है भाई, उसको कराने से मेरे ख्याल से ब्रेकिंग और थोड़ी बेटर हो जाएगी, क्योंकि भाई ये कार जो है ना 2 महीने पुरानी। समझ गया। तो भाई ऐसा कुछ रहने वाला था। और बाकी भाई एक सबसे फनी चीज ये थी, मैं आराम से जा रहा था 140 और भाई मेरे को 200 पे फ्लाई बाय देके गए, और यू शू करके निकले भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल बनता, बहुत स्टेबल गाड़ी है। तो मैं मानता हूँ भाई बिल्कुल, मतलब जैसे आप निकले और आपने आगे ब्रेक भी मारी ना, बिल्कुल रुक गई थी, कहीं इधर उधर स्लिप नहीं हुई, और लोड भी आई थी ये कार, तब भी इतनी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भाई बहुत स्टेबिलिटी है। 215 हम लेके आए हैं, अभी कोई इशू नहीं है भाई, ये चीज जैसे कि भाई ने बहुत अच्छी चीज बताई। बाकी और बाकी भाई इसके अंदर आपको अगर पीछे से भी लुक्स दिखाते हैं कि पीछे भाई ने क्या कर रखा है, जैसे मैं देखता हूँ आपकी टेल लाइट स्मोक्ड है, टेंट करवाई, अच्छा टेंट है, एंड ये आपकी स्टॉक है राइट? स्टॉक है, स्टॉक है भाई, स्टॉक का लुक देखो यार कितना प्यारा लग रहा है टेंट के बाद, तो ये नेक्स्ट लेवल लगा। बाकी जैसे कि भाई ने बताया इसके अंदर बोल लगे, दो हमारे बोल लगे पीछे के जो अपना टिप्स हैं, एंड बाकी एक बार कार के अंदर दिखाऊं बैक सीट साइड से, तो भाई पीछे से आगे तक देखो अल्ट्रा कम्फर्ट सीट जो हमारी ब्रियो में सेम बिल्कुल भाई हो रखा है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड बाकी एक बार इसका दिखाते हैं भाई चलने में कार कैसे है, और एक बार भाई एग्जॉस्ट और बीओवी सुना दो भाई कैसा है। तो भाई आप एक बार इसका एग्जॉस्ट और बीओवी सुना यार कैसा, मतलब नेक्स्ट लेवल आवाज है यार, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो भाई अब आप सुनो इसका बीओवी की आवाज। और भाई इसी के साथ आपको एक बार क्रैकलिंग भी सुनाते हैं भाई, क्रैकलिंग ही तो दिल लेके जाती है। भाई पीछे खड़ा नहीं हो सकता, कान उस तरफ करके खड़ा हो रखा था, इतनी तेज आवाज है। बाकी एक बार इसका देखते हैं भाई चलने में कैसी, ड्राइविंग रिव्यू, और एक बार थोड़ी सी इसको देखते हैं कि कैसे चलती है। आ चुके कार के अंदर और एक बार चल रहे हैं इसकी ड्राइव पे। भाई एक चीज आप मुझे बताओ, इस बजट में आप लुक्स वाइज और कम्फर्ट वाइज आपके पास और भी ऑप्शन थे, आप पोलो के लिए क्यों गए? हमें हॉट हैच चाहिए थी और ठीक इससे बढ़िया हॉट हैच और मैं बिल्कुल मानता हूँ, और पावर भी इसमें सबसे ज्यादा है, तो भाई ये मेन रीजन था। सही में इतनी अच्छी पावर के साथ ये गाड़ी इतनी स्टेबल चलती है, बिल्कुल भाई ये चीज मैं देखी है। तो भाई एक बार थोड़ा सा एक्सलेट करके दिखाओ भाई कैसे लोगों को उठती है, ऐसी रनिंग में कर दो, अब टायर बीन करने की जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब शिट भाई नेक्स्ट लेवल भाई, ये देखो यार कैसे ये उठती है। तो भाई इसका आपको एवरेज वगैरह क्या दे रही है इस टाइम पे? एवरेज में 8-8.5 के आसपास, मतलब यही है भाई, सब यही कहते हैं एवरेज मत ही पूछो तो बेटर है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो XP95 डलवाते हैं प्रॉपर, जब से आई है आज तक हमने XP95 से नीचे कभी कोई पेट्रोल नहीं डला भाई, वो ट्यून के बाद आई थिंक आपको डलवाना ही वही चाहिए, रिकमेंडेड ही वही है, तो वो भी एक चीज है।
बाकी भाई गाड़ी बहुत अच्छी लगी, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई। मैं जब दूर से देखा ना भाई, मेरा इस गाड़ी पे लिटरली दिल आ गया भाई, बहुत अच्छी बना रखी है ये। इसके अंदर अपने जैसे वेलोट होने का रिमोट लगा रखा है, आई थिंक भाई ये कुछ बड़ा स्टाइलिश सा रिमोट लगा रखा है इसके अंदर, जैसे आप देख सकते हो। और एक और VRS हमारे को फ्लाईवे देखे गए, जो आई थिंक ये भी ट्यून्ड ही है एंड ये बिल्ट ऑन बोर्ड्स की है। तो भाई ये ऐसा कुछ रहने वाला है, बहुत बढ़िया राइड गई है। बाकी एक बार थोड़ी सी बाइक से लेके हम भी ड्राइव करके देखते हैं भाई इस कार का क्या रिव्यू और कैसे रहने वाली है। सुनो भाई, भाई ऐसे कुछ क्रैकलिंग रहने वाली। तो भाई जैसे कि एक बार एक्सलेट करते हैं तो भाई नेक्स्ट लेवल। भाई ये तो 100 इतनी जल्दी क्रॉस कर जाती पता ही नहीं चलता। तो भाई आपके हिसाब से अभी इसका क्या 0-100 है? अभी ऐसे कुछ हमने मेजर करा नहीं, बट मेरे हिसाब से आई थिंक अर्ली 7th, राइट? हां हां अर्ली 7th आराम से भाई। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पॉप एंड बैंग्स के बाद आप थोड़ा टाइम इसको हटवाओगे या रखो? नहीं रखेंगे, हम कॉइल पैक डलवाएंगे भी APR के। ओके, बात कर ली हमने उस चीज की भी, ठीक है। हाँ। तो भाई क्योंकि ना मतलब मैंने चीज नोटिस करी है यार कि कई बार पॉप एंड बैंग से लोग बोलते हैं इंजन खराब होता है, आपको क्या लगता है? इंजन खराब नहीं होता, इसके स्पार्क प्लग में दिक्कत आती है, थोड़ा इशू रहता है, ठीक है। इसीलिए वो चीज हमें चेंज करवानी है। अब परफॉर्मेंस मोड्स मैक्सिमम सारे हमने इसमें करवाई दी इंजन से, तो हम थोड़ा गाड़ी की क्या ना मेरा लायबिलिटी भी थोड़ा देख समझ लिया, ठीक है। तो बाकी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे? बिल्कुल 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 लॉन्ग टर्म ही, ठीक है भाई। और आप मेरे को एक चीज और बताए थे भाई, इस गाड़ी के अंदर अपने क्रोम का क्या करा रखा है? डी क्रोम करवाया हुआ हमने, रैप AK कस्टम से करवाया हुआ हमने, ठीक है। आगे का फोक्सवैगन का लोगो, पीछे का फोक्सवैगन का लोगो और पूरी डीवैज करवाई हुई, ओके ठीक है। और हमने जो टेंट आपने देखी ना टेल लाइट, हाँ जी भाई, सारी टोटली उसी, अच्छा सारी AK कस्टम से पूरी एक वन टच दिला रखा है आपने। और यहाँ पे 2-3 स्टिकर्स की बैजिंग करी हुई है, वो भी सब वहीं से ही हुआ, ओके ठीक है। तो भाई ये पूरा काम AK कस्टम से रखा है भाई। तो भाई AK कस्टम हमारा ऑटोनेशन कस्टम, कॉस्मेटिक चेंजेस सारे टोटली वहीं से, अच्छा ठीक है। तो गुरजोत भाई के साथ साथ ही तैयार करिए आप, बिल्कुल सारा कुछ हमारा जो जितने भी हमारी गाड़ी ट्यून हुई है सब गुरजोत भाई से, सब कुछ है, सब कुछ चलन सारा उससे ही है। और मैं कह रहा हूँ पूरा रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ वहाँ पे गाड़ी। भाई ये चीज तो है भाई, मेरी भी तैयार हो रखी है, रिलायबिलिटी के साथ वो काम करते हैं, तसल्ली से सब कुछ काम। और भाई लोग कहते हैं टाइम ज्यादा लेते हैं, बट भाई फिर काम भी इसी हिसाब से होता है, बिल्कुल भाई, कोई कंप्लेंट नहीं मिली आज तक ये चीज। मैं बिल्कुल, इससे पहले भी हमारे पास एक MPI पोलो थी, हाँ जी मैं देखी थी, जो सिल्वर कलर की थी, उसको भी हमने रीमैप करवाया था, डाउन पाइप वगैरह सब कुछ चेंज कराया था, पर हमें चाहिए था ये व्हिसल, समझ गया भाई। BOV इसी के लिए मेरा मन कर रहा है कि मैं GT ले लूं। मैं बताता हूं, अभी वो 2017 मॉडल थी, उसको हमने सिर्फ TSI की वजह से रिप्लेस करा है, वो भी हाईलाइन मॉडल थी, ओके। तो भाई ये देखो भाई, BOV का अलग ही लेवल का क्रेज है। और आई थिंक हॉट जो किक है ना, और हॉट हैच में भाई वो सिर्फ मेरे को लगता है पोलो में इतनी अच्छी आवाज आती है, अगर आवाज में देखे सबसे ज्यादा अच्छी इसमें आती है हॉट हैचेस में। तो भाई एक ये भी रीजन है, बाकी भाई इसकी की का कुछ बताओ यार, की बहुत अलग नेक्स्ट लेवल लग रही है, क्या करा रखा है ये की कवर? एक है हमारे यहीं पे ही अभी, ओके ईस्ट दिल्ली में। तो भाई की कवर से भाई गाड़ी की बहुत अट्रैक्टिव लगी, मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मेरा एक फ्रेंड आया हुआ लक्ष्य, ओके, उसकी डिसेंट कार की शॉप है, ठीक है, जो दूसरी वाली रेड पोलो है, प्रॉपर एक्सेसरीज की शॉप है उसकी टोटली, ठीक है, सारा काम वही वहीं से ही कराते हैं हम लोग। अभी म्यूजिक सिस्टम वगैरह दूसरी गाड़ी में अगर आपको देखोगे ना, अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें भी मतलब सिस्टम तो प्रॉपर उतार रखा है, ओके, हमने रॉकफोर्ड P1 का प्रॉपर सेटअप लगाया हुआ उसमें, और GTO सीरीज के स्पीकर्स डले हुए कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो पूरी वो एस्थेटिकली तैयार है, प्रॉपर वही वो एस्थेटिकली है, और ये इंजन से ट्यून, ये इंजन से ट्यून करा रखी है। तो भाई मतलब मैंने चला के देखी यार, कार नेक्स्ट लेवल लगी, मतलब मजा आ गया यार। तो भाई एक चीज बोलना चाहूंगा, भाई ने इतने कम टाइम में गाड़ी तैयार करी, तैयार करने वाले भाई मैं कहूंगा 100 मिल जाएंगे भाई भाई, लेकिन जितने हमने क्लीन रखी है ना भाई वो बहुत कम मिलेंगे। ये मैं दिल से फैन हूँ इस गाड़ी का भाई, मतलब देख के मजा आ गया। कार अभी साथ वाली भी एक और पोलो है ना, वो भी बहुत साफ है, दोनों साथ की हैं, दोनों सेम, अच्छा दोनों सेम लिए आपने, दोनों सेम मंथ की, ओके। तो भाई ये चीज भाई ने मेरे को बता दी, और भाई आपके तो लकी हो गए भाई, क्योंकि बंदी हो गया, पोलो आनी बंद हो गई। लास्ट पोलो थी जो वो वाली है ना, वो लास्ट वो दिल्ली में खत्म ही हो गई, ये तो पटपड़गंज चली थी, ठीक है, वो वाली यमुनानगर जाके लेके आए। तो भाई वो लास्ट पोलो थी अपनी भाई। तो ये देख लो भाई, किस्मत की बात थी, मतलब मेरा एक टाइम मन करा था लेने का, लेकिन जब मैं गया तो भाई मिली नहीं, मन मना कर दिया कि नहीं है। अब देखते हैं भाई फ्यूचर में, शायद हम भी कोई पोलो पे ही शिफ्ट हो जाए और भाई के साथ साथ ही पोलो ग्रुप ज्वाइन कर लें। मतलब भाई लेकिन स्टेबिलिटी वाइज और गाड़ी चलने वाइज भी बहुत कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। बाकी भाई एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो मुझे फील हुई, मतलब जैसे सपोजिटली मैंने कार अभी जस्ट एक्सेलरेट भी करी, ये जो थोड़ा सा लैग आता है, ये आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको ना जो स्टॉक पोलो होगी उसमें ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन, अच्छा उसमें और ज्यादा लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा लैग लगेगा आपको, मतलब इनिशियली ना उठती नहीं है, थोड़ा सा लैग आता है बस, और उसी में थोड़ा सा मार खाती है। तो ये चीज भाई ने बिल्कुल क्लियर बता दी, मतलब जैसा भी देखो अभी मैं अगर ये देखो पूरा स्टेट एकदम से लैग और फिर गाड़ी उठी, तो भाई ये चीज है। बाकी चलने में कार नो डाउट भाई बहुत अच्छी है, मतलब ये देखो भाई एकदम से कैसे उठती है भाई, नेक्स्ट लेवल।
भाई बीओबी की आवाज तो आप सुन ही रहे होगे भाई, हमने 120 भी क्रॉस कर दिया बताओ। और ब्रेकिंग भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, भाई ब्रेकिंग पे आपने बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रखा है और मैं इस चीज का बिल्कुल फैन हो गया। मतलब मैंने ना एक पोलो देखी थी भाई उस बंदे की, उसने भी ट्यून करा रखी थी, बट भाई मैं एक चीज बोलूंगा, उस बंदे ने तो टायर भी चेंज नहीं करा रखे थे, क्या कर रखा था भाई। जब मैंने उसकी गाड़ी की ब्रेकिंग करी ना भाई, मैं मेरी रूह कांप के हाथ में आ गई थी। मुझे लगा था भाई वो गाड़ी नहीं रुकेगी, मैं पूरे फील्म आ चुका था कि वो गाड़ी नहीं रुकेगी। मुझे पूरा उस पर ऐसा लग गया था कि भाई आज तो गए हम, कॉन्फिडेंस आना जरूर भाई, कॉन्फिडेंस इसमें मेरे को भाई बैठती कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई ये गाड़ी संभल जाएगी। तो भाई ये चीज भाई ने बिल्कुल सही चीज बताई। बाकी क्लच इसका बहुत स्मूथ है, ज्यादा डीप नहीं है क्लच, चली कितनी है ये मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 8000 के अप्रोक्स चली होगी। दो भाई 9200 चली है ये, नहीं भाई ये देखो भाई 9228 चली है, मतलब बहुत कम चली है। और गाड़ी भाई ने उस हिसाब से भी ना बहुत अच्छी बना रखी है, इस गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं, कहीं नीचे टच भी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं भाई, ये चीज तो फिर बहुत बढ़िया है। और अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, जैसे अगर मैं ये कार लेता हूँ फैमिली के साथ भी चलाऊंगा, प्रैक्टिकल क्या एवरेज देगी? प्रैक्टिकली ये टर्बो में अगर आप देखोगे ना एमपीआई के कंपैरिजन में, तो ये टर्बो वाली जो है आपकी एवरेज ज्यादा अच्छी देती है। ठीक है हाँ। तो ये कितना दे देगी अंदाजा? जैसे आप गए थे शिमला तो आपने 13 या 14 के आसपास दे देगी आराम से, इतनी आराम से दे दी थी। तो भाई ये तो दूसरी वाली बोलो है ना, अभी हम नैनीताल गए थे उसमें, ठीक है आप बिलीव नहीं करोगे, एक टैंक सिंगल टैंक में आना जाना भी कर दिया उसने हमारा शिमला से, हाँ नहीं नैनीताल से, नैनीताल से ओके। और आते टाइम क्वार्टर के जो 2 पॉइंट होते हैं वो पेट्रोल भी बच गया एक टैंक में। ओ भाई साहब उस वाली की एवरेज ज्यादा, तो ट्यून में आप कहना चाहते हो एक तरह से ट्यून में थोड़ी सी एवरेज कम होती है, थोड़ा बहुत ही फर्क, बट वो भाई फिर ये भी कह सकते हैं ना कि यार हम लोग फिर खींचते भी तो हिसाब से, तो सारा वो बात ही वही आ जाती है। तो भाई ये चीज भी कुछ ऐसी थी, भाई ने बहुत क्लैरिटी में बताई, आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। भाई आपका इंस्टाग्राम बता दो सबको, जतिन राजपूत 788। ठीक है भाई, तो फॉलो कर लो भाई को, कुछ भी डाउट हो तो भाई से आप पूछ सकते हो। और भाई को भाई वोक्सवैगन के ऊपर बहुत नॉलेज है, तो कुछ भी अगर गाइडेंस हो तो भाई को मैसेज कर सकते हो और मेरे को भी कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नीचे और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।